हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईफोन कैमरा स्कूल। सो आज की एक और लर्निंग की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आप कुछ ऐसा एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि ऐसे एडिटिंग कैसे होती है, वो भी सिंपल स्टेप्स से। लेट्स बिगिन द ट्यूटोरियल। तो ये दोनों फोटो मैंने ऑलरेडी ली हुई है। आप अपने फ़ोन के टेम्पर ग्लास को इस तरह से कुछ डार्कर बैकग्राउंड में होल्ड कर लीजिए और एक पिक ऐसा ले लीजिए और दूसरा पिक आप अपने आईफोन का या फ़ोन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है यहाँ पे। अब इस दोनों इमेज को कंबाइन करते हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सुप्रीम पोज एक्स ऐप का। इसके लिए मैं अपनी पहली लेयर यानी कि ये जो ब्लैंक टफन ग्लास वाली इमेज है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। फाइनल थोड़ा सा क्रॉपिंग की ज़रूरत वैसे है नहीं, तो इसको डन कर लेते हैं। अब हमारा दूसरा लेयर यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे जो कि हमारा स्क्रीनशॉट होगा, तो इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अभी ट्रांसफॉर्म में जाके इसको परफेक्टली ग्लास के ऊपर आए ऐसा कुछ परफेक्टली हम बिठा देंगे कुछ इस तरह से। ये मुझे परफेक्ट लग रहा है अभी। अभी मेरा टफन ग्लास जो कि नीचे का लेयर है, जो मेरा हाथ वाला, वो अभी नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ से ये जो स्क्रीनशॉट में जो भी वॉलपेपर है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो इसके लिए हम मास्क में चले जाते हैं। मास्क में जाने के बाद मास्क टूल आपको ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे टिक करने के बाद ये आप सेकंड ऑप्शन टिक कर लीजिए। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म में सिलेक्ट करके ये अपनी सेकंड लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ऐसे ही रखते हैं मास्क क्लिक करके, और इसको हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए थोड़ा और जूम इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि परफेक्ट से परफेक्ट एडिटिंग हो जाए। यहाँ ऊपर भी हम कर लेते हैं थोड़ा एडिटिंग, ये परफेक्टली रिमूव हो रहा है। तो इसे मैं प्लस कर देता हूँ रिस्टोर, और रिस्टोर करके यहाँ पे कुछ मैं ले आता हूँ जो कि रेड कलर था हमारा, वो भी चला गया। यहाँ से हमारा ब्लैक चला गया है, हम वो वापस ले आते हैं। तो ये हमारी स्टॉक ऐप आ गई वापस से, हमारी टीवी ऐप का फोल्डर नहीं है तो इसको हम वापस ले आते हैं। तो ये मेरे हिसाब से परफेक्ट एडिट हो गया है। अगर आप और परफेक्ट करना चाहते हैं, ये कैलेंडर से बीच वाला जो है पिंक कलर, वो भी रिमूव कर सकते हैं रिस्टोर और इरेस करके। सभी के लिए मैं फ़िलहाल ये रहने देता हूँ ऐसे। ये परफेक्टली एज टू एज आ गया है, इसको अभी हम सेट करने की ज़रूरत नहीं, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये मैं सेव कर लेता हूँ फ़ोटोज़ में और इसको बाद में हम एडिट कर लेंगे, और एडिट करके कुछ ऐसा डार्कर लुक ले आ सकते हैं। तो ये मैंने लाइट रूम से किया है, एडोबी लाइट रूम से। आप स्नैपसीड से भी कर सकते हैं और लाइट रूम से भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो ये मेरा लाइट रूम मैं ओपन कर लेता हूँ, ये इमेज है मेरी। इसको मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लाइट बढ़ाई है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा कर दिया है डार्कर के लिए, हाईलाइट्स काफ़ी कम कर दी है, शेडो को बढ़ा दिया है, वाइट्स काफ़ी कम कर दिए, ब्लैक को भी काफ़ी कम कर दिया है ताकि डार्कर आ सके। कलर में ज़्यादा कुछ मैंने छेड़खानी नहीं की है, सैचुरेशन थोड़ा कम कर दिया था, वाइब्रेंस थोड़ा बढ़ा लिया है। और अगर मैं इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे क्लैरिटी को थोड़ा ज़्यादा कर दिया है और विग्नेट को कम कर दिया है ताकि जो आपको ये होलो इफेक्ट दिख रही है बीच में फोकस और कॉर्नर्स पर थोड़ा डार्क, वो विग्नेट से आया है। मिड पॉइंट भी मैंने थोड़ा सा कम किया है, डिटेलिंग में मैंने थोड़ी शार्पनिंग बढ़ा दी है। तो ये मेरी फाइनल एडिटिंग है। तो आइए मैं आपको बिफ़ोर और आफ्टर दिखा देता हूँ। सो ये हमारा बिफ़ोर है और ये हमारा आफ्टर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।